नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। डेली न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसके मुख्य प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। भूमि विवाद में जानलेवा हमला करने वालों को 10-10 वर्ष की सजा। सारिमपुर के आरजू खान को टांग ले गई यूपी की पुलिस। पेपर लीक मामले में खगड़िया का युवक गिरफ्तार, व्हाट्सएप बना माध्यम। पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले छठू यादव की उपचार के दौरान मौत। डुमराव में अधेड़ से छीन ले गए 55,000 शिकायत दर्ज। शराब से भरी कार के साथ पटना का युवक गिरफ्तार। मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में यूपी के दो युवकों को मिली सजा। बक्सर प्रखंड मुख्यालय पर हुआ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। बुलेटिन की पहली सुर्खी है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास से संबंधित एक मामले में बीते दिन गुरुवार को सजा सुनाते हुए राजपुर थाना के सिसराड़ गांव के रहने वाले दुर्गेश सिंह और निमेश नारायण को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सूचना के अनुसार 23 फरवरी 2007 को सिसराड़ गांव में महेश चौबे पर चार लोगों ने मिलकर गोलीबारी की थी। इनमें से एक आरोपी की मौत हो गई, एक जुबेनाइल में गया, अन्य दो को सजा हुई है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, सारिमपुर जो औद्योगिक थाना क्षेत्र के इलाके में आता है, यहाँ के रहने वाले आरजू खान उर्फ रकीब खान को उत्तर प्रदेश की पुलिस बीते दिनों गिरफ्तार कर ले गई। सूचना के अनुसार आरजू के विरुद्ध गौ तस्करी, जाली नोट, हथियार तस्करी के मामले पूर्व से दर्ज हैं। अपने जिले में भी इनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं, ऐसा औद्योगिक थाने की पुलिस ने बताया। यूपी की पुलिस ले जाए उससे पहले यहाँ के पुलिस ने भी पूछताछ की। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में खगड़िया से एक संजीव कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया। बीते दिन गुरुवार को उसे जेल भेज दिया गया, हालांकि गिरफ्तारी बुधवार को हुई थी। पूछताछ के दौरान पता चला 1 तारीख को जब पेपर एग्जाम चल रहा था, उस दौरान व्हाट्सएप पर इस युवक ने के मंडल में परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी को एंसर की भेजा था। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले छठू यादव ने बीते दिन गुरुवार की सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह जो भीड़भाड़ का आप नज़ारा देख रहे हैं शायद भूल गए हों, 2 अक्टूबर की सुबह ही सुबह सिमरी थाना क्षेत्र के काजीपुर गाँव में छठू यादव ने धारदार हथियार से अपनी ही पत्नी ममता देवी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद जहर खाकर वह गांव के बगीचे में लेट गया था। उसके बाद से ही उसका उपचार चल रहा था, जिसने गुरुवार की सुबह अंततः दम तोड़ दिया। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, डुमराव में बीते दिन छिनैती की घटना हुई। भारतीय स्टेट बैंक से रुपये निकालकर मुरार थाना क्षेत्र के बेलहरी गाँव के रहने वाले गिरिजा महतो 55,000 रुपये लेकर ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने बीच रास्ते में उनके हाथ से वह झोला छीन लिया। आजकल बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले सजग रहे, अन्यथा किसी के साथ ऐसा हो सकता है। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, अभी आप यहाँ एक कार की सीट के पीछे ताखाना बनाकर छिपाई गई शराब का नज़ारा देख रहे हैं। गंगा सेतु पर बीते दिन उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की सुबह ही सुबह संजू कुमार, जो पटना का रहने वाला है, बुद्धा कॉलोनी का, इस युवक की तस्वीर अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यूपी से शराब लेकर गंगा पुल के रास्ते जा रहा था, तभी यह दबोच लिया गया। बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है, व्यवहार न्यायालय में बीते दिन एक और सजा हुई। गुरुवार को सुधीर कुमार राय, सीताराम राय, यह दोनों कोटवा नारायणपुर के रहने वाले हैं, वर्ष 2005 में बाइक लेकर सारिमपुर के पास नगर थाने की टीम ने इन्हें पकड़ा था। गंगा सेतु के समीप 500 या 600 ग्राम गांजा मिला था। उसी आरोप में इन दोनों को 4-4 माह की सजा हुई है।
बुलेटिन की आठवीं सुर्खी है, इन दिनों जनसंवाद का कार्यक्रम जिले भर में चल रहा है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं सदर प्रखंड मुख्यालय की है, अर्थात 5 अक्टूबर को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, SP मनीष कुमार आदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। युवाओं को मुख्यमंत्री भत्ता योजना, कन्या उत्थान योजना, जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना, अर्थात सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में जिला प्रशासन पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है। सदर प्रखंड के उमरपुर में भी यह कार्यक्रम बीते दिन संपन्न हुआ। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सूचना। प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।